साल की मासूम बच्चियां, शायद उन्होंने रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे, लेट नाइट पार्टी कर रही होंगी, उन्होंने पक्का कोई हिंट दिया होगा, क्यों पॉसिबल नहीं है? लेकिन रेप तो ऐसी ही लड़कियों का होता है ना, कब समझेंगे हम? प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं, इन जानवर से बदतर आदमियों की सोच में है। 4 साल की बच्चियां कहती हैं, दादा ने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ, और ये सुनते ही अगर आपका दिल नहीं दहल रहा और गुस्सा नहीं आ रहा तो मर गया है आपका जमीर। घटना 7 दिन पहले की है। 4 साल की छोटी छोटी नाजुक सी बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में दिन में स्कूल जा रही थी। पेरेंट्स स्कूल को सेफ समझकर बेझिझक अपनी बच्चियों को पढ़ने भेज रहे थे, लेकिन इंसान की शक्ल में हैवान तो ताक में थे। स्कूल में बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, बच्चियां डर गई थी, लेकिन जब एक बच्ची ने अपने माँ बाप को प्राइवेट पार्ट में तकलीफ की शिकायत की तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। FIR के मुताबिक घटना 13 अगस्त सुबह 9 बजे की है। पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। मेडिकल टेस्ट में बच्चियों के साथ रेप की बात सामने आई तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची ने अपने माता पिता को बताया कि स्कूल में एक बड़ा आदमी जिसे वो दादा कहती थी, महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहा जाता है, उसने उसके कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ। दरअसल बदलापुर के एक नामी स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ 23 साल के स्कूल क्लीनर अक्षय शिंदे ने यौन उत्पीड़न किया। ये घटना 13 और 14 अगस्त की है। ये घटना उस वक्त हुई जब दोनों बच्चियां स्कूल के टॉयलेट में थीं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां कोई महिला स्टाफ मौजूद नहीं थी। आरोपी ने न केवल उन दोनों का यौन उत्पीड़न किया बल्कि उन्हें किसी से भी कुछ ना कहने की धमकी भी दी। आरोपी अक्षय की घिनौनी हरकत तब सबके सामने आई जब एक बच्ची ने दर्द की शिकायत की, हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता को आप बीती बताई। इसके बाद आनंद फानंद में बच्ची के पेरेंट्स 16 अगस्त की रात को पुलिस थाने पहुंचे और फिर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्षय शिंदे हिस्ट्री शीटर है, ऐसे में उसे काम पर कैसे रखा गया? गुस्साए पेरेंट्स और थाने के लोगों ने मामले में जमकर प्रदर्शन किया, स्कूल में खूब तोड़फोड़ भी की और आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। जो इन बच्चियों को भी ना छोड़े उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।